आलू को भेजेंगे। बोले स्टेट में ऐसे 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 किया करके गुलाब वाली डर ये पोस्ट मारा हम इसकी पिक्चर्स लेनी है बड़ी मम्मा। इसको आगे घास चाहिए। हम समझ रहे हैं वो योगा कर रहा है। ऐसे पीछे देखो वो भागते हैं। मतलब घोड़े नहीं हैं घोड़ी हैं। ये है खूबसूरत और वो रानी। वो गुस्से वाला है और ये ठीक है अच्छा बच्चा। और मोबाइल की इंश्योरेंस ना वो अच्छा अच्छी बच्ची रानी खड़ी है इधर प्रभासन और रानी गुस्से वाली है। घोड़े साहब पापा नाम क्या है आप जुबान में समझा उसे डाल दो चल मैं तूफान बाय नहीं घोड़ा नहीं बैठता खड़ा रहता है। आप जा रही हैं मैं जाऊं चले ना अंकल इसमें फुल तेज भराए ना बहुत तेज मुड़का बहुत जल्दी जल्दी जाएंगे 200 रुपये बने छोटे छोटे ट्रिप लेके आ रहे हैं। विटामिन डी ग्रुप है नहीं यहाँ देखें हेलो ये बड़ी मम्मा वापस तेज तेज चलते हुए घोड़े पे जंग से जीतते हुए आ रही है। आगे आई से वीडियो बना रही है बड़ी मम्मा की डर लग रहा है बड़ी मम्मा मामू कह रहे भगाए भगाए ए उतर गई आसमान देखें कैसा हो रहा है बहुत दूर जा रहे हैं बड़े मामू खुश हो गए बड़े मामू नहीं कैसे खुश हो गए। ये आसमान देखें गाइस क्या बना हुआ है आसमान का सेकंड राइड। घोड़े की उम्र कितनी होती है औसतन अंदाजन? घोड़े की उम्र होती है 30 से 35 साल तक की होती है 40 से होती है। ठीक है अच्छा घोड़ा जो ना अगला घोड़ा कितने अरसे के बाद बीबी घोड़ा पैदा होता है? 2 साल के बाद बच्चा पैदा हो जाता है। अच्छा जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद बच्चा कैसे खड़ा होता है आप उसकी मदद करते हैं या क्या वो होता है? ना ना वो है तो घंटा घंटा वो नीचे जमीन पे से उल्टा होता होते होते खड़ा हो जाता है फिर घंटा 2 घंटे के बाद वो दूध खुद ही पीने लग जाता है। ठीक है जी फिर दूध पीते है फिर घंटा 2 घंटे लेट जाते हैं फिर उसके दूध पीते फिर लेट जाते फिर 1 साल लेटा रहते इसी तरह दूध पीते कितने अरसे में खड़ा हो जाता है बिल्कुल खुद 1 साल में बिल्कुल
पाँव पे तो वो तकरीबन 10-15 मिनट के बाद खड़ा हो जाता है। नहीं मतलब लगातार ना, जैसे आपको ये जवान घोड़ा, ये आपका सारा दिन भी खड़ा रह सकता है। वो 2 साल 2.5 साल के बाद फुल खड़ा हो जाता है। 2.5 साल के बाद फुल खड़ा हो जाता है, कोई मसला नहीं होता। और आप जो है वो घोड़े की देखभाल क्या क्या करते हैं? मतलब सर्दी फर्स्ट की जैसे अभी बर्फबारी होगी, अभी नीचे चले जाएंगे हमें, आप यहीं पर ही होंगे तो घोड़े की हिफाजत के लिए आप क्या करेंगे? घोड़े से ज्यादा डालते हैं चना शना, गर्म खुराक डालते हैं, गर्म मसाला देते हैं, अंडे देते हैं। अच्छा, आपका ये जो घोड़ा है ये कितने केजी वजन उठा सकता है, कितने किलोग्राम? हाँ ये तो तकरीबन 3 मन तक उठा सकते हैं, 3-4 मन तक उठा सकते हैं। 120-150 150 की तो कुठाई भी कहीं है तो तकरीबन 2 साल तक उठा सकते हैं। अंकल ये बताइए इस घोड़े की मालियत कितनी है अंदाजन? ऐसे घोड़े 5-6 लाख से कम नहीं। अच्छा मतलब ये ईरानी नस्ल के घोड़े हैं, कौन सी नस्ल? ये आपने पाकिस्तानी देसी नस्ल है। पाकिस्तानी देसी नस्ल जी जी, नजरबाजी में जाते हैं, शादियों में बग्गियों में जाते हैं, डांस करते हैं। अच्छा ये वो घोड़े हैं तो डांस भी करता है ये? करते हैं, जब इसको दूसरा सामान डालते हैं तो ये फिर डांस पे लग जाता है। अच्छा, कड़ियाला डालते हैं वो, दूसरा डालते हैं। अच्छा जी, अच्छा चलो ठीक है जी, हमारा इंटरव्यू खत्म हुआ। आपका इसमें ग्रामी क्या है, नाम क्या है? मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर भाई, अल्लाह ताला आपकी रोजी में बरकत दे और जो है ना वो आपको घोड़ा और आप मुताहिर रहें, खुशबूदार रहें। आप कराची आइएगा तो हमारे से जरूर आइएगा इंशाल्लाह। हम आपको अपनी कल्टस घोड़े में सैर कराएंगे। कैसा इंटरव्यू करवाया मैंने? रानी खाने में ही मसरूफ है। कहना मेरा मशवरा ये है कि यहाँ पे मजीद एक घंटा लगाओ, सिरी पाए जो ना जाओ, आगे जिसमें तुम्हारी ख्वाहिश है वो। कहने सेम चीज तुम्हें वहाँ पे भी मिलेगी, ठीक है? इतना खराब रास्ता तो फिर तो हाँ। वो लोने वाले का श्री पाए का जो भी गया ना, हाँ। मैं पहले भी एक फैमिली गई थी, हाँ। तो बोला यार हमने तो पैसे जाएगी नहीं, मैंने कहा रास्ता बहुत वॉर बहुत डरी हुई थी। अच्छा हाँ, तो इतना पतला सा तो रास्ता भी वीडियो में जो आपने देखा था। अगर चलना है चलते हैं, ठीक है ना? उसके बाद जो है ना वो बजाय इसके कि जो है ना वो पिंडी जाने, यार बतिया कंधा दबाना, तुम्हें कहना मेरा घोड़ा दबाना, क्या हुआ? गर्म पानी क्या बस आने वाला हुआ, बस चलो ये घोड़ा है अंकल, मतलब ये घोड़ा है, ये घोड़ा है और इसकी उम्र 7 इयर्स है और वो घोड़ी और वो पीछे घोड़ी और बड़ी उम्र डर रही है। तो ये घोड़ी और वो घोड़ी है, ये घोड़ा था, ये रही घोड़ी, इसकी एज 7 इयर्स है और मैक्सिमम 30-35-40 तक हो जाती है, इसकी लंबी उम्र होती है अंकल कह रहे हैं। फाइनली बन गई, अंकल कह रहे हैं 2 साल बाद रोको इसको नहीं कम। आपसे सवाल ये है, मैं थोड़ा सा टहला सकता हूँ? एक मिनट आइए इधर आओ अंकल, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो आपका घोड़ा है, ये घोड़ा जो है वो, एक्सक्यूज मी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, आई नीड पिन ड्रॉप साइलेंस, ठीक है? एक काम करें, आयशा भी साइड पर है, नहीं आएगी। मेरा आपसे सवाल ये है कि घोड़े की उम्र कितनी होती है औसतन, अंदाजन घोड़े की?